एमआईएम को क्या जरूरत पड़ी नेशनल कन्वेंशन के रखने के लिए? कई साल हो गए, आज तक कभी नहीं रखा, ये पहली बार ही क्यों रखा गया? रखा क्या जरूरत आन पड़ी? आज तक असद भाई सारे फैसले लेते हैं, अकबर भाई फैसले लेते हैं, और आप दो अनमोल रतनों वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब, तो आज कन्वेंशन रख के क्या मतलब एजेंडा क्या रखी समझा जाए कि एमआईएम थोड़ा सा पीछे जा रही है वोटों में, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए रखा जा रहा है कि एमएम आगे जा रही इसलिए बढ़ा रिजल्ट सर रिजल्ट नहीं कर सकते नेशनल टीवी पे नहीं करता ये देखो जो नहीं कर सकते वो तो जरूर सी जाहिर सी बातें बोलेंगे। और सुनिए जुल्म कर रहे तुम्हारे कितनी जमाते जब तो गई सब एंड कैंडिडेट की अगर आपका लिखा लेंगे तो रिकॉर्ड बन जाएगा वर्ल्ड नहीं मगर नेशनल रिकॉर्ड तो जरूर बने। सवाल ये होता है कि मुंबई को क्यों अलग रखा गया ऐसे क्या बात है कि मुंबई में क्यों नहीं हर चीज मुंबई है मुंबई आइकॉनिक जगह है मुंबई में आप भी पहले एमएलए रह चुके हैं तो क्या मुंबई इतनी कमजोर हो गई कि मुंबई में कन्वेंशन नहीं होगा? तो मेरा वाइकल्ला नहीं है चलो ये बोल दो मजा बोल दो मेरा नहीं 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 अभी आपका हिंदुस्तान है वाइकल्ला पहले आप सवाल से बच रहे हो मैं कह रहा हूँ तो असद साहब भी है ना ये जवाब सुनने के लिए भी बेचारे कि वारिस के वारिस का क्या बोलते हैं वाइकल्ला इलेक्शन लड़ोगे पार्टी डिसाइड करेगी पहले वारिस पठान डिसाइड करेगा नहीं नहीं पहले पार्टी डिसाइड वारिस पठान एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को क्या टिकट मिलेगी पहला सवाल दूसरा सवाल है कि वारिस पठान क्या लड़ने की सोच रहे हैं बाहर कहीं आप सेफ जोन देख रहे हो तीन असद भाई आपको चॉइस दे रहे हैं कि वारिस तुम तीन कोई बताओ कहाँ से तुमको खड़ाना तो वारिस पठान कहाँ क्या वारिस पठान हमारे लोकल इश्यूज पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं रईस की बता देता हूँ आपके कॉम्पिटिटर की बता देता हूँ रईस एक भिंडी में है तो यहाँ पर भी उसका काम चालू है कभी यहाँ कभी वहाँ उस काम चालू है मगर वारिस पठान एकदम गायब है उसके इलाके में तो मैं बोलता हूँ चलो वारिस पठान नहीं है उनके इलाके में वारिस पठान जहाँ से खड़े हुए जहाँ से सेकेंड टाइम खड़े हुए एक टाइम जीते वारिस पठान उस एरिया में कुछ ध्यान नहीं दे रहे कुछ नहीं करे लोग कहाँ जाएंगे जो आपके हैं जो आपके जो वोटर्स हैं वो कहाँ भी लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जिन्होंने मुझे वोट दिया वो सबकी सब आप पे उंगली उठा अबरानी साहब लेके सुन जाओ तो बहुत पावरफुल होते जा रहे भाई कल्ला में याद रखो ये क्या क्या पावरफुल होते जा रहे केस है दोस्तों एमआईएम का कन्वेंशन पहला कन्वेंशन फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन जो है मुमरा में होने जाने वाला है मुमरा में होने वाला है बात करते हैं वारिस पठान जी से कि क्या कन्वेंशन है कौन कौन है कैसे होगा क्या डेट होगा वाइस भाई इस कन्वेंशन के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या शेड्यूल है। देखिए सलीम भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सबसे बड़ा एक पहला नेशनल कन्वेंशन है जो 25 और 26 तारीख को रखा गया है और जिसमें हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तमाम हमारे जितने भी राज्य के स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं वो रहेंगे कॉरपोरेटर्स रहेंगे एमएलएस रहेंगे स्पोक्स पर्सनस को बुलाया वो रहेंगे और जो जो भी जवाबदार जिम्मेदार लोग हैं वो रहेंगे और दो दिन का कन्वेंशन है ये कन्वेंशन तो जिस तरह से सब मुख्तलिफ सियासत पार्टियां करती है उसी तरह से पहली मरतबा और हमको खुशी है कि महाराष्ट्र में हो रहा है फर्स्ट टाइम और इम्तियाज जलील साहब हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं तो वही सब इसके बारे में देख रहे हैं और डिसाइड करेंगे सब बात करेंगे एक दूसरे अपनी अपनी राय रखेंगे क्योंकि मजलिस पूरे देश में फैल रही है हर राज्य में चुनाव लड़े जा रहे हैं रिजल्ट अल्लाह के हाथ में मगर कोशिश करते हैं और अच्छा है लोगों की मोहब्बत मिल रही है असद साहब को तो हर इंसान से उसकी उसकी राय पूछेंगे किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना मजलिस का प्रोटोकॉल वगैरह जो भी है वो पूरी तरह से सबकी मुख्तलिफ राय से बात होगी तो अच्छा है ना और हुजूर की हदीस भी है कि मशवरे में बरकत है तो सबका मशवरा लिया जाएगा और मशवरे के बाद सदर साहब रहेंगे वो होगा और 25 तारीख के दिन मैं 25 तारीख के दिन स्टेट प्रेसिडेंट्स वगैरह सब रहेंगे सदर साहब रहेंगे सब सब और उसके बाद में शाम को हमारा जलसा रहेगा मुमरा में मुमरा में जलसा है हमारा शाम को 7 to 10 तो मैं आपके माध्यम से सबको गुजारिश करूंगा आइए बड़ी तादाद के अंदर और सुनिए हमारे पार्टी के सदर प्रेसिडेंट सदर ओवैसी साहब को और उसके बाद सेकेंड डे में जो कन्वेंशन है उसमें हमारे तमाम जो सिटी प्रेसिडेंट्स बाकी जितने भी लोग हैं वो भी सब मौजूद रहेंगे और सेकेंड डे भी यही चर्चा होगी सब पे सबको पार्टी गाइडलाइंस और हर रीत से जो मुख्तलिफ पार्टियाँ करती है और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना सबके विचार रखे जाएंगे और असद साहब उसका वहाँ पे रहेंगे बात रखेंगे अपनी और उस दिन मतलब 26 तारीख के दिन शाम को जलसा होगा मलाड़ मालवनी में मुमरा तो में जलसा नहीं है मुमरा में पहला दिन जलसा है 25 को मैंने बताया सेकेंड डे मलाड़ मालवनी में जलसा होगा वहाँ भी असद साहब रहेंगे तमाम हमारे
जिम्मेदार नेता रहेंगे, और मैं आपकी माध्यम से वहाँ की भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम लोग आइए मलाड मालवनी 26 तारीख के दिन शाम को 7 से 10 असद ओवैसी साहब की कयादत में जलसा रखा गया है, वहाँ पर भी आप तशरीफ़ लाइए। 2-3 सवाल उठते हैं कि MIM को क्या ज़रूरत पड़ी नेशनल कन्वेंशन के रखने के लिए, कई साल हो गए आज तक कभी नहीं रखा, ये पहली बार ही क्यों हो रहा है? पहला देखिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली मरतबा इतना बड़ा ये हो रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कन्वेंशन हो रहा है, और खुशी इसके लिए भी कि महाराष्ट्र में हो रहा है पहली मरतबा। सवाल ये है कि क्यों रखा गया? रखा इसलिए ज़रूरत आन पड़ी, आज तक असद भाई सारे फैसले लेते हैं, अकबर भाई फैसले लेते हैं, और आप दो अनमोल रतनों वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब, तो आज कन्वेंशन रखी क्या मतलब, एजेंडा क्या है कन्वेंशन का? जी देखिए बिल्कुल असद साहब अकबर साहब फैसले लेते हैं, कन्वेंशन का मकसद यही होता है कि आप हर इंसान हर पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है या पार्टी का जो नेता है लीडर है जिम्मेदार है वो अपनी अपनी राय रखे। अब अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से राय तो अपनी वो नहीं कर सकता या वहाँ, तो एक जगह पर आकर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना, किस तरह से चुनाव में क्या करना, मतलब काफ़ी सारे एजेंडा होते हैं जलसे। कुछ तो बात भी होगी ना कि आप कन्वेंशन पहली बार रखने जा रहे हो, आपकी पार्टी को कितने साल हो गए? नहीं पार्टी को काफ़ी साल हुए इसलिए बता रहा हूँ पहले। एक नया ट्रैक आता है तो कई सवाल उठते हैं कि भाई क्यों रखा जा रहा है ये अचानक, ऐसा क्यों? नेशनल में आप हर जगह जा रहे हो फिर बाद में फिर ये चीज़ की क्या ऐसी जरूरत है हमें, इसको MIM की तरक्की समझा जाए कि MIM थोड़ा सा पीछे जा रही है वोटों में इसलिए उसको बढ़ाने के लिए रखा जा रहा है कि MIM आगे जा रही है इसलिए रखा जा रहा है? नहीं नहीं MIM बहुत आगे जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे देश के अंदर आगे बढ़ रही है। विदाउट कन्वेंशन आगे चले गई, असद ओवैसी साहब की कयादत के अंदर पूरे देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं, हर स्टेट्स में चुनाव लड़े जा रहे हैं। रिजल्ट सर रिजल्ट, हर स्टेट्स में हमारी रिजल्ट कभी भी हर चीज का एक सर कितनी जमातें जब्त हो गई सब कैंडिडेट की, अगर आपका लिखा लेंगे तो रिकॉर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड नहीं मगर नेशनल रिकॉर्ड तो जरूर बनेगा। अरे सलीम भाई देखिए हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, मगर हम मजलूमों दलितों की मुसलमानों की आवाज़ बन के उनके लिए पूरे देश में तो जा रहे हैं। अब चुनाव तो सब लड़ते हैं, किसकी जमानत जाती है, कोई जीतते भी है, अब जीतते भी तो है ना हमारे लोग पूरी तरह से। आज हमारे पास इतने सारे MLA है, हमारे MP औरंगाबाद में भी है, असद ओवैसी साहब है, कॉरपोरेटर्स है इतने सारे, तो स्लो 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 फैलता है ना जमात, जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमेशा एक प्रोव याद रखना, इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण प्रोव है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब फास्ट भागोगे गिर जाओगे, और हम आराम से पूरे देश में जा रहे हैं। और आप दूसरी चीज़ मांग क्यों नहीं करते कि लोग कितनी मोहब्बत से प्यार से असद साहब को नवाजते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, और इंशाल्लाह हमको यकीन है उससे नवाजते, खाली वोट से नहीं नवाजते, उनको इंशाल्लाह उम्मीद है यकीन है कि मजलिस पूरे देश के अंदर एक अच्छा नाम तो कर ली है, आगे परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और हमारे लोग जीतेंगे आप देखिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि हमारे भी कैंडिडेट्स जीतेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। भाई मैं दूसरा सवाल ये होता है कि मुंबई को क्यों अलग रखा गया है, ऐसा क्या बात है कि मुंबई में क्यों नहीं, हर चीज़ मुंबई है, मुंबई आइकॉनिक जगह है, मुंबई में आप भी पहले MLA रह चुके हैं, तो क्या मुंबई इतनी कमज़ोर हो गई कि मुंबई में कन्वेंशन नहीं होगा? नहीं नहीं देखिए आपने लगता है इम्तियाज़ भाई का ट्वीट नहीं पढ़ा, इम्तियाज़ भाई ने लिखा है उस पर कि हमारा MIM का कन्वेंशन है, नेशनल कन्वेंशन 25-26 को है, मुंबई स्ट्रोक मुमरा, आप अगर देखेंगे तो अभी आपके प्रोग्राम में कहीं मुंबई का तो कुछ भी जिक्र नहीं, मलाड़ का है मुंबई, आप जानते हो मुंबई की मदद से मैं आपका जो मेन गढ़ है उसकी बात कर रहा हूँ। मेन गढ़ तो पूरा हिंदुस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, मैं वारिस पठान का मेन गढ़ बोल रहा हूँ, बोल दो मेरा वाइकला नहीं है, चलो ये बोल दो मजा आ जाएगा, देखिए आप बोल दो मेरा नहीं अभी आपका हिंदुस्तान है वाइकला पहले ये बोल, बिल्कुल सुनिए बात मेरी सर, मीनगढ़ की नहीं, इसका सवाल का जवाब, वारिस पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा एक सिपाही है सर, मेरा सवाल ये है वाइकला, आप सुनो वाइकला गढ़ है कि हिंदुस्तान गढ़ है, सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा, मैंने हमेशा एक डायलॉग मेरा मालूम है ना सलीम भाई, इलाके कुत्ते और बिल्लियों के होते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेर है, मैं यहाँ वारिस पठान की बात कर रहा हूँ, वारिस पठान भी, वारिस पठान छोटा सा वारिस पठान कार्यकर्ता है, बाइकल्ला या देश ना खैर वो मतलब मैं नहीं बोल रहा, वारिस पठान का गढ़ कौन सा है, बाइकल्ला या ऑल ओवर इंडिया? पूरा देश अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वारिस, आप सवाल से बच रहे हो, मैं कह रहा हूँ
सवाल से नहीं बच रहे आज मुंबई में। मैं समझता हूँ असद साहब भी है ना, ये जवाब सुनने के लिए भी था बेचारे के वारिस के वारिस का क्या बोलते हैं वारिस। मुझे बहुत खुशी है कि असद साहब आने वाले, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट कन्वेंशन हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई में हो रहा है। मलाड मुंबई का हिस्सा है, अब जब चेंबूर में हमारा मुंबई का हिस्सा है जहाँ पे हमारा दूसरा ही जो पूरी सब बॉडी मिलने वाली है कन्वेंशन, तो सारा मुंबई में हो रहा है। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कन्वेंशन है तो कहीं भी होता है, एक पार्टी की मीटिंग है उसके बाद जलसे तो आप देखिए ना, जलसा तो होगा धमाल से, मुमरा में भी धमाल है और इंशाल्लाह मलाड में भी धमाल है, लोगों को सुनने में मिलेगा। हालात हाजरा के ऊपर असद भाई अपनी बात रखेंगे पूरी तरह से, हमारे दूसरे जो नेता लीडर आ रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो एक अलग ही माहौल आपको पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग आ रहे हैं। और इस टाइम तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है ओवैसी ब्रदर्स दोनों आएंगे, हमको यकीन है इंशाल्लाह। असद ओवैसी साहब भी आएंगे, अकबर ओवैसी साहब भी आएंगे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि अकबर भाई आ रहे हैं। आएंगे आएंगे इंशाल्लाह, पूरा यकीन है हमको, अकबर भाई भी आएंगे, असद भाई भी आएंगे। वारिस भाई ठीक है, ये तो कन्वेंशन की बात हो गई, कन्वेंशन अगले साल होएगा कि खाली बीएमसी इलेक्शन आ रहा है इसलिए जरा मुंबई में आजू बाजू में थोड़ा सा ये करना है इलेक्शन को नज़र रखते हुए। अभी वो डिसाइड करेगी पार्टी के हर साल कहाँ करना कैसे करना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कन्वेंशन रखा गया है ये बीएमसी इलेक्शन को मद्देनजर रखते किया गया कि भाई कैसे जीतना है बीएमसी इलेक्शन, क्योंकि देश की सब में बड़ी जो सब में अमीर जो है ये है म्यूनसिपालिटी वो बीएमसी है, तो क्या इसके मद्देनजर रखा गया है? देखिए इस कन्वेंशन का जो बेनिफिट है सलीम भाई वो पूरे देश के लोगों को मिलेगा, देश के खास तौर अभी 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 खाली एमएम को मिल जाए, अभी खाली एमएम को मिल जाए बस। मेरे को खाली ये बताइए बीएमसी जो है बीएमसी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या कन्वेंशन रखा गया है? इलेक्शन तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है हमारी अभी अभी तो अभी कभी भी हो जाएगा बीएमसी इलेक्शन, हर जगह फायदा होगा क्योंकि इससे गाइडलाइंस मिलेगी एक एक को, प्रेसिडेंट्स को, स्पोक्स पर्सन को, जितने हमारे पार्टी के नेता लीडर कॉरपोरेटर सबको एक गाइडलाइन होगी, लोगों के विचार आएंगे सबके सामने, तो इससे तो बेनिफिट होना ही होना है इंशाल्लाह। और हमको यकीन है इसका बेनिफिट सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा, क्योंकि असद ओवैसी साहब खुद उसको कन्वे करेंगे किस तरह से क्या करना। तो आप सोचिए ना कि एक बड़ी बात है ये और पूरी तरह से सबको फ़ायदा होगा। दूसरी बात करते हैं वारिस भाई, थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल है आपसे, क्या कर रहे हो भाई, कल इलेक्शन लड़ोगे? पार्टी डिसाइड करेगी, पहले वारिस पठान डिसाइड करेगा? नहीं नहीं पहले पार्टी डिसाइड करेगी। मैं बताया ना वारिस पठान एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को क्या टिकट मिलेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि वारिस पठान क्या लड़ने की सोच रहे हैं वहाँ से? देखिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब बोलेंगे वारिस तुमको यहाँ से चुनाव लड़ना है। वारिस पठान क्या आप ऐसा तो नहीं अभी पूरी इंडिया में घूम रहे हो, वाह वाह हो रही है, इतना स्टेज पे ये कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं बाहर कहीं आप सेफ जोन देख रहे हो? नहीं देखिए मुझे जो पार्टी ने हुकुम दिया वो मैं करता हूँ, पार्टी ने मुझे। अच्छा, अगर वारिस भाई वारिस पठान को चांस मिले, नहीं पहले तो आप खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए? इम्पोर्टेंट जाओ, देखिए पार्टी ने मुझे एक जवाबदारी दी है, स्पोक्स पर्सन बनाया, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखता हूँ, पार्टी की बात पूरे रखता हूँ। आप बहुत अच्छे हो, हर टीवी पे छाए रहते हो, और पार्टी जहाँ जहाँ हुकुम करती है असद भाई का ये आता है आदेश के भाई यहाँ जाना है कैंपेनिंग करते हैं, यहाँ चुनाव है यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं, जो भी आदेश होता है पार्टी का मानते थे मानते हैं और इंशाल्लाह मानते रहेंगे। अब पार्टी बोलेगी असद साहब बोलेंगे भाई यहाँ से लड़ना है लड़ेंगे, पार्टी डिसाइड करेगा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, जो पार्टी बोलेगी मैं तो उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जी मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने डिसाइड किया कि इलेक्शन लड़ना है कि नहीं, चलो ठीक है पार्टी डिसाइड करेगी या आपको इलेक्शन लड़ना है? बिल्कुल लड़ना चाहिए इलेक्शन, इलेक्शन अगर अगर पहले दिमाग में आपके आए कि मुझे इलेक्शन लड़ना, तो हर की एक पहली चॉइस होती है ना सर, हर की एक पहली चॉइस, तो पहली चॉइस आपकी कहाँ की? देखिए पहली मैंने आपको बताया ना, चलो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते, सिर्फ इस पे जाते एरिया में मुंबई से, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कब से, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, जहाँ से पार्टी डिसाइड करेगी जो मुंबई मुमरा हिंदुस्तान के कोई मुमरा पार्टी बोलेगी, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ से लड़ेंगे पार्टी, पार्टी बोलेगी चुनाव। कोई तीन असद भाई आपको चॉइस दे रहे हैं कि वारिस तुम तीन कोई बताओ कहाँ से तुमको खड़ा ना, तो वारिस पठान कहाँ क्या क्या देगा? पहले चॉइस देंगे फिर सोचेंगे, पहले चॉइस तो आने दो। नहीं नहीं कोई पूछेगी कि कोई तीन जगह का नाम बताइए, पब्लिक जानना चाहती है, छुपा के क्या फायदा है? जो आपके दिल में दिल की बात लोगों से आप हमेशा बोलते हो, मेरे को मेरी दिल की बात, मोदी जी मन की बात करते हो, आप दिल की बात नहीं कर सकते? मैं दिल की बात बताता हूँ, सुनिए बात, मुझे इतने सारे वोटर्स हैं असद साहब के चाहने वाले, अकबर भाई के चाहे, एमआईएम वाले लोग हैं, वो भी चाहेंगे ना कि भाई हम वारिस पठान के साथ, वारिस भाई बतावे कि वारिस भाई कहाँ से चाह रहे हैं, वारिस भाई क्यों छुपा रहे हैं? देखिए मुझे असद साहब की प्रेसिडेंटशिप पे उनकी क्यादत पे इतना बहुत भरोसा है,
और अगर असद साहब ने बोल दिया ना कि वारिस तुम यहाँ से लड़ो, तो आंख बंद करके वारिस पठान वहां से लड़ लेगा, क्योंकि मुझे यकीन है अगर बोला है तो सोच के बोला है, बोला है तो सोच के बोला है। नेशनल टीवी में ऐसे करते हैं क्या? अरे नेशनल गली न्यूज़ इसलिए ऐसा करता है, आप तो बाजू में बैठे हो ना, वहां तो टीवी सामने रहता है। वारिस भाई मेरे को ये बताया, ये जो आपने ये जो पॉइंट किया ना, ये यहाँ से खड़ो, यही जानना चाहते हैं कि वारिस पठान कहाँ से लड़ने वाले, जहाँ से असद भाई, इच्छा क्या है तुम्हारी, दिल क्या कहता है? जो असद साहब बोलेंगे, असद साहब बोलेंगे चुनाव लड़ो यहाँ से लड़ेंगे, असद साहब बोलेंगे नहीं मत लड़ो नहीं लड़ेंगे, रिकॉर्ड करके रख लो मेरी बात। चलो इस बात पे मैं आपके आता हूँ। इम्तियाज जलील साहब जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको भी पता है मुझे भी पता है इम्तियाज भाई को भी पता हुआ है, असद साहब ने मना किया था कि वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना है, वो तो इम्तियाज भाई ने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, ठीक है ना, और वो कॉन्फिडेंस में पूरे हुए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो बिल्कुल वही शायद मैंने कहा ना कि असद भाई की बात कॉन्फिडेंट, असद भाई का फैसला ना था एंड तक, पूरे 36 घंटे लगे असद भाई को मनाने, आप भी गवाओ मैं भी गवाओ इम्तियाज भाई भी गवाए। देखिए मैं भी आपको इसका जवाब थोड़ा सा एक संक्षेप में बताऊंगा तो पब्लिक को भी समझ में आएगी बात। वारिस पठान पॉलिटिशियन तो नहीं था, मैं तो लॉयर था, आपको मालूम है, प्रैक्टिस करता था अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह था। अचानक आए सियासत में, अल्लाह सुब्हान तआला ने हाथ थामा और मजलिस को कामयाबी मिल गई, ओवैसी ब्रदर्स और हमारे तमाम लोगों की मेहनत से जीत गए। जीतने के बाद आज यहाँ पहुँच गए आपके सामने, आज वारिस पठान अगर वारिस पठान है, जो आप सर कहाँ से खड़े हो गए, कहाँ से खड़े, वारिस पठान अगर है ना तो मजलिस के बैनर तले ही है ना, तो जहाँ बैनर तले तो है, जो लोगों ने जिस बैनर तले है और जो प्रेसिडेंट जो पार्टी फैसला करेगी वो आज तक भी माने आगे भी मानेंगे। मैं समझता हूँ आप अवॉइड कर रहे हैं इसको, कोई बात नहीं। अभी वारिस पठान पे एक इल्ज़ाम है, जो वारिस पठान के वोटर्स थे, जो लॉयल वोटर्स थे, जैसे वारिस पठान एडवोकेट से नेता बना तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था उस पर, आपको खाली वारिस पठान की चाहत और पार्टी नहीं थी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। आज उनका कहना है कि वारिस पठान जो है हमारे बीच नहीं है, मतलब वैसे वाला बीच नहीं, वो मतलब वैसे वाला बीच नहीं, बीच में नहीं, मतलब वारिस पठान हमारे लोकल इश्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं रईस की बता देता हूँ, आपके कॉम्पिटिटर की बता देता हूँ, रईस शेख भिंडी में है तो यहाँ पर भी उसका काम चालू है, कभी यहाँ कभी वहाँ वो काम चालू है, मगर वारिस पठान एकदम गायब है। अचानक इलेक्शन के टाइम पे वारिस पठान आते हैं आएंगे कहीं पर भी हो, चलो एक्स वाई जेड जगह, तो पब्लिक क्या कॉन्फिडेंट लेगी वारिस भाई आप पे? किसने बोला आपको वारिस पठान? हमारा ये है सर्वे, मैं खुद उस इलाके में रहता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो वारिस पठान नहीं है उनके इलाके में। अच्छा। वारिस पठान जहाँ से खड़े हुए, जहाँ से सेकंड टाइम खड़े हुए, एक टाइम जीते, वारिस पठान उस एरिया में कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं करे, लोग कहाँ जाएंगे जो आपके हैं, जो आपके जो वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा अब मेरा जवाब सुनेंगे आप संक्षेप के अंदर, आप मतलब कि आपका जो इन्फॉर्मर जो है या जो भी इन्फॉर्मर, मैं हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ, जरूरी तो नहीं कि मैं हर दिन आपको आके वहाँ पे मिलूँ, मुझे मत मिलिए ना, आपके प्रोग्राम्स बताते सर, मैं आप कभी चले जा रहे हो यूपी, आप कभी चले लखनऊ, आप कभी चले जा रहे हो हैदराबाद, तुम्हारा लोकल का अभी भी घर वहाँ पे आ गया है रहने, मेरा अग्रीपाड़ा के अंदर रह रहा हूँ मैं आज भी, मैं रहना और काम में फर्क है ना वारिस भाई। रईस क्यों यहाँ पे काम कर रहा, क्यों कॉर्पोरेटर था यहाँ का, हो गया ना खत्म हो गया ना, होने के बाद भी है ना कॉरपोरेशन के जो फंड मिले थे वो इस्तेमाल हो रहे। वारिस पठान आज भी लॉकडाउन में मैं कहाँ था, अपने लोगों में नहीं था, मेरे खाने पकते दलम दलो तो बोलना वो भी तो नहीं जाना नहीं डाला उठा, नहीं तो तुम वापस निकल जाते यूपी, वो तो ट्रेन में सब बंद थी, एयरपोर्ट बंद था, ट्रेन बंद था, बस बंद थी, इसलिए तुम रुक गए थे। देखो कोरोना का मत बोलो, अब सिर्फ बाइकल्ला की बात करते, बाइकल्ला में 6 वार्ड है। कुछ वारिस भाई सीरियस बात है कि जो लोग तुम्हारे वोटर है 25,000-50,000 जो चाहते हैं उनको तुम कैसे, पूरा जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे वोट दिया, वो सब की सब आप पे उंगली उठा रहे हैं, पठान के दिल दिमाग गुर्दा कली सब में। अब देखिए कुछ चुनिंदा लोग अगर मेरे को कुछ बोलेंगे, यही चुनिंदा लोग है ना आपके लिए ना खड़े हुए थे सर पहली बार, कुछ चुनिंदा लोग जिनके कोई ऐसे काम जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो तो जरूर सी जाहिर सी बातें बोलेंगे। और सुनिए सुनिए कुछ लोग ऐसे हैं जो किसको आदत होती है कुछ बोलने की, बहरहाल कुछ वादा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कोई ऐसे काम आते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, उन लोगों को थोड़ी नाराजगी होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं हमारा भाई है तो रोज़ हमारे को मिलना चाहिए, रोज़ नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे पता है उनकी मोहब्बत है ये कि मुझे याद करते, और मुझे पता है कि मैं उनको कब मिलता हूँ, कहाँ मिलता हूँ, कैसे मिलता हूँ। वारिस पठान हर एक की शादी में, हर एक की नियाज में, हर एक की मैयत में, फिर तुम बोलते मिलते नहीं, और काम क्या है, जो भी काम है अभी काम
बोल के तो नहीं किया जाता ना, कुछ काम ऐसा वारिस पठान करता है एरिया में, आगरी पाड़ा में सर, आगरी पाड़ा में हम गए थे डीएमसी के पास, वहाँ के रेसिडेंट लोग मच्छर से इतने परेशान है, 800 मच्छर रोज मारते थे एक एक घर वाले। तो ये भी तो एक इश्यू होता है ना सर, सिविक इश्यू होता है। आप लोग गए ना, अबरानी साहब लेके गए थे। मैं किसी का क्रेडिट लेना नहीं चाहता, अगर कोई गया है मच्छर का इशू लेके तो अच्छी बात है। आप कहाँ आगरी पाड़ा में रहते, सबका काम करना चाहिए। मेरे यहाँ तो मेरे को मच्छर नहीं दिखा भाई, आपको तो पता है मैं तो अग्रीपाड़ा के अंदर शिफ्ट हुआ हूँ, कुछ वक्त से वहाँ पे रह रहा हूँ, घर का काम चालू है वहाँ रोज मिलो। अब अग्रीपाड़ा में अगर रहने आता तो आपको मेरी सबकी आदत तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, अपने को 10 बजे तो नींद आती नहीं है। हम तो आप एक वक्त ऐसा आ जाता है, जैसे भी आप, मैं भी देखते रहता हूँ, आप नेशनल टीवी पे रहते हो, रिप्रेजेंट करते हो, कोई चीज़ एक इंसिडेंट होता है, सबसे पहले उसके खिलाफ जो है असद साहब जो मुसलमानों के सपोर्ट में आके पहले ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, फिर आप लोग का डिबेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी से जो रोज जिनसे मिलना उनसे कॉन्टेक्ट कम हो जाता है, समझे? तो ये प्रॉब्लम में से समझ में आती है। ये चीज अपने फॉलोअर्स को भी समझना चाहिए कि नहीं यार मेरा भाई उधर कर, शायद वो चीज वो आप लोग की नहीं देखते नहीं, ये मोहब्बत है लोगों की, मोहब्बत है सलीम भाई, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो चाहेगा कि वारिस भाई मेरे यहाँ हमेशा आए, मेरे को हमेशा मिले, ये मोहब्बत है। और मैं उनकी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, उनके जज्बे का बहुत सम्मान करता हूँ कि हाँ बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए रोज, और मिलता भी हूँ मैं, कभी रोज नहीं मिल सकता सबको रोज, मगर कोई ये सोचेगा नहीं वारिस भाई होगा, नहीं नहीं उनका एहसान है मेरे ऊपर, भाई कल्ला की आवाम का एहसान है मेरे पे जिन्होंने मुझे मोहब्बत। अच्छा, बता दो ना, बता दो ना कैसे खड़े और मैं जीता और आज वारिस पठान बना है तो भाई कल्ला की आवाम का मोहब्बत है। और अगर कोई नाराज है तो मैं तो आपके चैनल पे बैठ के मैं उससे माफी मांगूंगा। नहीं, भाई कल्ला की बात इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग अगर मुझसे नाराज, यशवंत यादव बहुत पावरफुल होते जा रहे भाई कल्ला में, याद रखो। ये क्या क्या पावरफुल होते जा रहे, केस है, केस होने से क्या होता, केस तो आप पे भी, ईडी के केस है 40, तो सरकार लिए वो ले लिए, नहीं तो सरकार में चले गए ना केस की वजह से, केस की वजह से तो सरकार में चले। वोटर्स वो नहीं देखे ना, कितने आपके साथी, कितने दूसरे पार्टी के साथी सब उधर चले गए, सब पूरा एक बहुत बड़ी टीम बन के काम हो रही है। यशवंत यादव क्या काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, जो वारिस भाई नेशनल कन्वेंशन में अलग अलग जगह पर है, यशवंत यादव वहाँ के लोकल लोग को एक्सेस, काम हो रहा है तो जनता है ना जवाब देगी ना, काम अच्छा अगर कोई करेगा तो जनता उसके साथ रहेगी ना, तो चुनाव आएगा ना इंशाल्लाह, देखेंगे कौन क्या काम कर रहा है। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर आंखों पे है, जनता मोहब्बत करके कंधे पे बिठाना जानती है तो वही जनता कंधे से उठा के गिराना भी जानती है, इसलिए जनता ही सब कुछ है। और मुझे यकीन है और मुझे मालूम है जनता मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत दुआ करता है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मेरे से अगर कोई गलती कभी हो जाती है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ जनता से, भाई अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच में नहीं है तो, और भाई भाई में आपस में छोटा बहुत होते रहता है, सबके घर में होता है, मगर वो मोहब्बत की ऐसे भाई को ढूंढता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे भी कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपसे इतनी ओपन बात करते हैं और आप उसका हंस के जवाब देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, ये बातें कैसा है ना लोगों के दिमाग क्लियर करने के लिए रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।